लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जानते हैं कुछ ऐसे ही सुपरहिट चाइल्ड एक्टर्स के बारे में जो बड़े होकर हो गए सुपरफ्लॉप। कुणाल खेमू चाइल्ड एक्टर के तौर पर बेहद सफल रहे थे। उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, जख्म जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। जख्म के लिए तो कुणाल को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालांकि बड़े होकर कुणाल की कई फिल्में जरूर आईं, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण बचपन में एक्टर और सिंगर के तौर पर काफी सफल थे। उन्होंने परदेस, जब प्यार किसी से होता है और मासूम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद भी किया गया। एक्टर के तौर पर उन्होंने शापित से डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म सुपरफ्लॉप साबित हुई। 1983 की फिल्म मासूम में आपको नसीरुद्दीन शाह का बच्चा तो याद ही होगा। जुगल हंसराज का यह रोल काफी पसंद किया गया था। उन्होंने साल 2000 में मोहब्बतें से डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद भी उनके सितारे गर्दिश में ही रहे। आफताब ने मिस्टर इंडिया, चालबाज, शहनशाह जैसी कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन बड़े होकर आफताब को फिल्में तो खूब मिली, लेकिन उनका सितारा नहीं चमक सका। हंसिका ने कई टीवी सीरियलों और कोई मिल गया जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया था। बड़े होने पर उन्होंने आपका सुरूर से डेब्यू किया था। हालांकि हिंदी फिल्मों में भले ही हंसिका नहीं चली हो, लेकिन साउथ की फिल्मों में उनका सिक्का जम कर चला। श्वेता ने मकड़ी और इकबाल जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई। मकड़ी के लिए श्वेता को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। बाद में साउथ की फिल्में करने के बाद उनका नाम एक से एक स्कैंडल में आ गया। उसके बाद अभी तक श्वेता हिंदी फिल्मों में अपने पैर नहीं जमा सकी हैं।